बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रिसीवर जो है ये न्यू आया है, नेट है, 2030 है, मिनी एचडी है, ठीक है। तो मैं इसकी पूरी आपको ट्यूनिंग भी करके बताऊंगा कि इसे कैसे ट्यून करते हैं, और इसके अलावा इसमें बेस की ऑप्शन कैसे खोलते हैं, और पावर वीयू कैसे लगाते हैं, और इसमें यूट्यूब कैसे चलती है, और इसमें सर्वर कैसे ओपन करते हैं। तो शुरू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका इसका पूरा सिस्टम कैसे चलता है, वो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर जो रिसीवर था वो मैं पहले ही से निकाल दिया है, जिसमें ये एक जो है आप देख रहे हैं, ये पावर एचडी केबल है, और इसके अलावा ये अडाप्टर है 12 वोल्ट का, और दो सेल हैं, और बाकी रिमोट है वो मैंने पहले ही लगा दिया है। तो शुरू करते हैं, ये मैंने एडजस्टमेंट पहले से ही कर दी है, इसको एक साइड पे रख देता हूँ मैं। ये है, ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट है, इसका मैंने लगा दिया है। और इसके बाद अब मैं आपको इसका ट्यूनिंग सिस्टम बताऊंगा कि ये ट्यूनिंग इसकी कैसे होती है। ये देख रहे हैं, ये आगे एलसीडी लगी, ये आ गया। ये इसका पहला फंक्शन जो है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और आगे आ जाते हैं एंटीना सेटिंग में। यहाँ से आप डायरेक्टली आप बेशक नीचे आ जाएं, ये टीपी लिस्ट है, यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं सऊदीया का चैनल ट्यून करूँगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है एचडी है, नीलसैट की। ये ऊपर देख रहे हैं, नीलसैट कमर फजाइया है, सेटेलाइट है। तो यहाँ मैं फ्रिक्वेंसी ऐड करूँगा, कहाँ से, ये रिमोट में आपको ग्रीन बटन जो है उसे मैं दबाऊँगा, तो ये आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पे मैं डालूँगा 12284, और नीचे आ जाऊँगा, ये वर्टिकल करूँगा, और नीचे आ जाऊँगा असेंबल रेट इसका जो है वो 27500 है। यहाँ पे मैं ओके करूँगा, ये देख रहे हैं सिग्नल आ गए हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको करूँगा, और यहाँ पे मैं रिमोट से जो ब्लू बटन है, जो नीला बटन है, उसे मैं दबाऊँगा, तो ये ट्यूनिंग आ जाएगी इसकी। ये ट्यूनिंग आ गई है। पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि ये ट्यूनिंग का तरीकाकार क्या है, ट्यूनिंग कैसे करते हैं। तो ठीक है, ये ट्यूनिंग हो गई है, और इसके बाद मैं ये इसे बैक करता हूँ। हाँ, ये चैनल अखबारिया है, और इसके अलावा आगे अगर आपने देखना है तो ये मक्का आ गया है चैनल। हाँ जी, सऊदी कुरान, ये आप देख रहे हैं, ये चैनल आ गए हैं, आप देख रहे हैं ट्यूनिंग का ये तरीका है। हाँ, ये नीचे सपोर्ट का चैनल आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो आगे फिर हम जाएंगे इसकी दोबारा आगे सेटिंग में, कि इसमें बाकी क्या क्या है, फंक्शन है। तो फिर आगे हम जाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके ये सिस्टम, इसकी इंफॉर्मेशन है, इसका जो डेटा है, हार्डवेयर है, जो भी है इसका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 MB में फ्लैश फाइल है, और 64 MB तक है, तकरीबन 64 MB है, और वर्जन जो है 1.6.3.5 है, बाकी देख रहे हैं। और नीचे ये फैक्ट्री सेटिंग है, और नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप कर सकते हैं, और नीचे आ जाते हैं, ये है की एडिट, यहाँ ओके करेंगे आप रिमोट से, तो सामने सबसे ऊपर वाली ऑप्शन जो है ये है बेस की, जी बेस की, आप समझ रहे हैं बेस की। और नीचे पावर वी यू है, और नीचे पावर वी यू ए यू है, ये ऊपर तो अब
ओके करेंगे तो ये वेस्ट की आप ऐड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे लेफ्ट में जो है ना सेटेलाइट के हैं, 45 हो गया, ये अलग अलग हैं सारे, ठीक है। और नीचे अगर पावर वीजू आपने ऐड करने आया तो यहाँ पे आप पावर वीजू भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिट के लिए ये रिमोट से आप पीला बटन भी दबा सकते हैं, और ऐड के लिए ग्रीन भी दबा सकते हैं, और डिलीट के लिए लाल जो दबा दबा सकते हैं, ठीक है। ऐसे पावर वीजू दूसरा भी। आगे हम आ जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आके ओके आप करेंगे तो यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं। तो यहाँ ऐड करने के लिए, सर्वर ऑन करने के लिए आपको रिमोट से लाल बटन दबाना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे सर्वर की ऑप्शन आ गई है, यहाँ से आप सर्वर ओके कर सकते हैं। और ये ऊपर से रीजन है, रीजन का मतलब होता है कि आप कोई भी कंट्री यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें बल्गारिया है, बाकी ब्राज़ील है, ये सारी आप यहाँ से आप कंट्री ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सर्च बाई स्टार्ट बाई ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है आप 360 रख सकते हैं, 480, 720, 1080, जो भी आपके स्क्रीन पे आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप नीचे ये सर्वर ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्वर भी कर सकते हैं और यहाँ से लोकल भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो भी की होगी आपके पास उसके मुताबिक आप इसे ओके कर सकते हैं, ठीक है। या मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ आ जाओ। और आगे यहाँ से आप फाइल ऐड कर सकते, ये है ऑप्शन आ गई है मीडिया की। यहाँ पे वीडियो गाने वगैरह आपके होंगे, म्यूज़िक होगा, पिक्चर होंगी, रिकॉर्डिंग फाइल जो आपने रिकॉर्ड किया होगा वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी ट्यूनिंग आपको मैंने बता दी है, ये यहाँ से आप जो है आप ऊपर सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं, नीचे आप फ्रिक्वेंसी जो है आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आप जो है आप पोर्ट जो है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेटेलाइट लिस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ से आप ऑलरेडी इसकी ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, ट्यून करके दिखाया है। ये टीपी लिस्ट है, यहाँ से आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। मसलन अभी मैं आपको MPC डायल करके चेक करवाता हूँ, तो उसके लिए मैं ग्रीन का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूँगा 11470, ये नील सेट है, 11470, और नीचे आ जाएगा वर्टिकल, और नीचे आ जाएगा 2700, ये नील सेट है। ये देख रहे हैं, यहाँ से मैं ओके करूँगा, यहाँ फिर ओके करूँगा, और फिर रिमोट से जो नीला बटन है उसे मैं दबाऊँगा, और यहाँ पे मैंने ओके करूँगा तो ये हमारी ट्यूनिंग शुरू हो जाएगी। ये हमारा MBC आ गया है, ठीक है। मैं आपको फिर दिखा भी देता हूँ, كريم الأحمدي ये देखिए, من اليمين سعود عبد الحميد مع الكورة ठीक है। ये شوف تطلع منها ناتج ان انت توصل للمرمى قرب تشوف رومارينيو مش ده دوره على فكرة يعني رومارينيو مش ده دوره ان هو ينزل هنا في وسط الملعب अलमान उस पर ट्यूनिंग मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये बैक आता हूँ, 11 76, ये ओके हो गई, ये ग्रीन बटन से मैं ओके करूँगा, أنه دخل عليه رجل فقال اشتكي ايه ساري شانل كي بيت رسول الله صلى الله عليه ये وسلم आपको मैं दिखाता हूँ, ये قال بلى एक्शन वगैرह सारे चैनल आ गए हैं, देख रहे हैं आप। The melanin in your skin, so if you sit out in the sun too ये long, देखें poor आप, tanning, you know, फिर it ओके wasn't really करके, made for tattoo shop. ये आप देखें, لكن جيد أن تدافعي عن ये ट्यूनिंग सारी صديقتك हो गई है, ओके हो حسنا गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। سأحولك ये إلى रिसीवर है आप شبيه देख रहे हैं, سوف تساعدينني في تهذيب
ये वाला ठीक ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया, ये नेट 2030 है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।